जबलपुर, जिसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन कहला गलत नहीं होगा कि जिस तरह जबलपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, यह अब अपराध धानी बनती जा रही है। जी हां, फिर फायरिंग से दहल उठा है जबलपुर। क्यों और किसने दिया वारदात को अंजाम, देखिए। स्ट्रेचर पर लेटे युवक और कार में गोलियों के निशान, संस्कार धानी में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी बयां कर रहे हैं। दरअसल जबलपुर के कूड़न गांव के पास तीन नकाबपोश बदमाशों ने कार में बैठे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और उसके रिश्तेदार पर फायरिंग कर दी। गोली डॉक्टर के रिश्तेदार के कंधे पर जा लगी, जबकि डॉक्टर बाल बाल बच गए। करीब 5 राउंड फायर करने के बाद हमलावर अपनी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। हमले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। तीन नकाबपोश जो है बच्चे थे, जिन्होंने बाइक पर आए और उनके ऊपर फायर किए थे, जिसमें 2 फायर उनके बोनेट पे लगे हैं और एक जो है उनके भाई को लगा है। उनका जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है, उनके स्टेटमेंट के आधार पर जो है वो विवेचना किया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन इस वारदात ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।